बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला अलैका व सहाबी का या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों के साथ अपना न्यू ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो आजकल जो है वो लास्ट वीक से बारिशों के सीज़न शुरू हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, वेदर बहुत चेंज हो रहा है और आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आजकल बस सबको फ्लू और ठंड का जो है वो इशू है बच्चों को भी। और ये देखें जी, ये बारिश में मेरे बच्चे जो है वो मना नहीं हो रहे थे और एंजॉय कर रहे थे बाहर के। हमने बाहर बारिश में एंजॉय करना तो अम्ब्रेला लेके ये बच्चे जो हैं ये इधर एंजॉय कर रहे थे। वेदर चेंज होने के साथ साथ आप लोगों को पता है गर्मी कितने काम होते हैं, मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मियों के कपड़े उठाए जाते हैं और सर्दियों के निकाले जाते हैं। और हाउसवाइफ्स ये बेहतर समझ सकती हैं कि घर में कितना काम होता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है। तो ये मैं बच्चों के कपड़े जो हैं वो विंटर्स के निकाले थे और इनको सॉर्ट आउट कर रही थी। और जो है इनके कैबन्स में जो है अलग अलग से बच्चों के जो है वो मैं कपड़े तय करके लगा रही थी ताकि मुझे मसला ना हो वेदर चेंज हो रहा है और बच्चों के जो है सर्दियों वाले कपड़े वो इधर कैबन में जो है वो मैं सॉर्ट कर रही थी। आप लोगों को पता है आजकल घरों में बस सबके यही रूटीन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज मैं आप लोगों के साथ अपने किचन की रूटीन शेयर करूँगी। ये किचन देखिए मेरा आप लोगों को बहुत मैसी लग रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी देर से फुल क्लीन नहीं हुआ था, इसकी जनरल सफाई नहीं की गई थी। सो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी ये किचन की जनरल सफाई जो है वो शेयर करूँ। ये देखिए मेरे कैबिन्स भी जो है वो मैसी हुए हुए हैं, अंदर से सारे जो हैं ये ख़राब हुए हुए हैं क्योंकि मैं बच्चों वाली हूँ। माशाल्लाह मेरे तीन बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बच्चों की स्टडी, घर के काम, सारा कुछ करना, तो सारा कुछ मैनेज नहीं होता। सो आज मैंने अपनी मेट से कहा कि आज हम लोग मिल के जो है वो किचन की मुकम्मल सफाई करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर से शुरू किया किचन के कैबिन्स ऊपर जो हैं वो सारी चीज़ें उतार के। सो हम लोग इसकी जो है वो क्लीनिंग करने लगे थे। थोड़ा सा जो है किचन का कॉर्नर हमारा जो है वो थोड़ा सा सिल की वजह से ख़राब हुआ है ऊपर से। सो हमने उसको झाड़ा पहले सबसे और फिर उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये जो शेड्स हैं कैबिन्स के ये साफ़ करवाए। और जो दूसरी मेरी मेट हैं वो बर्तन वॉश कर रही थी। सो ये देखिए जी, ये अब हम लोग जो है शेल्फ़ क्लीनिंग कर रहे थे, ऊपर से कैबिन की सफाई हो रही थी। बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में करने वाले छोटे छोटे बहुत ज़्यादा। ये देखिए विंडो जो है वो भी हमारी बहुत ही डस्टी हुई हुई थी, सो उसको भी हम लोग जो है वो क्लीन कर रहे थे। आज हम लोगों ने बस सुबह सुबह जो है ना वो किचन का सारा काम किया है, शेल्फ क्लीन किए हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ फाइनल लुक भी शेयर करूँगी एंड पे किचन की क्लीनिंग की। सो बहुत ही मैसी हुआ हुआ था किचन। मैं आप लोगों के साथ आज अपनी किचन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये देखिए कैबिन्स मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी वीडियो, और अब देखें जी इसको सॉर्ट करके हमने चीज़ें जो हैं अप्लाइंसिस जो हैं वो इसमें रख दिए हैं। और ये जो दूसरा कैबिन है ये भी देख सकते हैं आप सारा वो साफ़ करके। ये फाइनल लुक देखें जी किचन की, ये अब नीट एंड क्लीन हो चुका है सारा। ऑल ओवर हमने किचन जो है वो डन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। वो कैसी लगी मेरी किचन क्लीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।